हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? ब्लॉगी और ना पा गए एक और फेस टू फेस चैलेंज रेस के साथ। डूब इतनी तेज भाग रही थी, मेरे डूब को मार के गाड़ी टर्न कर दी है। जबकि नूब की गाड़ी ना बड़ी बढ़िया है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी सबसे सुपर कूल गाड़ी है, बट मेरी गाड़ी उससे भी ज्यादा अच्छी थी। तो गाइस, मैंने सबसे पहले अपनी डिवास्टर डिलीवर किए, नूब बेचारी अपनी टॉर्च पीछे पीछे ला रही थी बत्तख के जैसे, आराम आराम से, जैसे बत्तख आगे जाती है पीछे पीछे उसके चेले आते हैं, तो वैसे ही सेम टू सेम सीन हो गया और ये गाड़ी पड़ी स्लो चल रही हुई। नहीं 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 नहीं, नूब गिराएगी, पक्का गिराएगी। नहीं 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 नहीं, बच ना होगा मुझे नूब से, पर शक्ल में गिरा दे, गिराया इसने मुझे, पता था नहीं, शुक्र नहीं गिरी, वो ऊपर चढ़ गई थी रिंग के ऊपर, क्या बात है कि मैं बच गई हूँ। गाड़ी ना मेरी रिंग के ऊपर चली गई थी साइकिल, और आराम से टायर के रिंग से उतर के मैं आ गई। उसको लगा वो उसने गिरा दिया है, मैं रिस्पॉन्ड मारूंगी, टाइम लगेगा, बट मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, जीनियस दिमाग इस्तेमाल करती हूँ मैं अपना थोड़ा ज्यादा, इस वजह से बच जाती हूँ। अब इसको नहीं छोड़ूंगी, अब तो ये गई मेरे हाथ से, आ जा बेटा। अरे आ गई, क्योंकि इसने मेरा टाइम थोड़ा सा बर्बाद किया था, जिसके कारण ये अपनी साइकिल डिलीवर कर चुकी है। एंड दोनों के पास फेंटम वेज है, सेम टू सेम गाड़ी है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके लिए रुकना चाहिए, क्योंकि पीछे से ये हमला करेगी अपनी मोटी गेंडे जैसी नाक से ना मुझ पे हमला करने वाली है। तो मैंने फटाफट से डिलीवर कर दिया है, क्योंकि ये बड़ी तेज है और मुझे नीचे गिरा देगी। बच गई। मैं बग्गी से ना उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन उसकी बचत हो गई है और वो बच गई है। मैं बग्गी को बड़ा स्लो लेकर आई हूँ ताकि वो पीछे से आए, लेकिन वो नहीं आई है और मैं बग्गी डिलीवर कर चुकी हूँ। अब मैं पांटू लेकर जा रही हूँ, वो बग्गी लाएगी। ओके, वो बच गई। क्या बात, कितनी बड़ी नूब है कि बच जाती है, मतलब मैं उसे बच जाती हूँ, मुझे मार ही नहीं पाती और दोबारा कोशिश भी नहीं करती मारने की, बट मैं उसे नहीं छोड़ने वाली, कभी भी नहीं छोड़ने वाली, मैं तो उसे डेफिनेटली मारती हूँ और बहुत मारती हूँ। तो गाइस, दोनों के पास मस्त मस्त टैंक है, सेम स्किन के साथ, कोई कलर नहीं है इसके अंदर, हमारे पास बिल्कुल स्किन एक जैसी आई है, और ये वाली अच्छी भी लगती है मुझे ज़्यादा। टैंक के ऊपर अजीब अजीब कलर का आता है ना, थोड़ा अजीब सा ही लगता है वो, अजीब अजीब सा, ये वाली बात ही कुछ और होती है इस कलर की। आ जा, ऐसा महसूस होता है कि हम अच्छी पोस्ट के ऊपर टैंक लेकर जा रहे हैं, जबकि हम दोनों ही बैड काम तो नहीं करते, रेसिंग करना तो अच्छी काम होती है, लेकिन डुब को हिफ काट लेकर जा रही है, डुब को गिराते पक्का, और अब मैं नूब के पीछे पीछे हूँ और बहुत जोर से मैं उसको गिराने वाली हूँ, इतना जोर से कि वो याद रखेगी। अरे रुक रुक रुक, नहीं नूब नहीं गिरी, मैं गिर गई। माय गॉड, बहुत बहुत बैड सीन हो गया है, और गोल्फ कार्ट को लेकर जा रही हूँ, अब नहीं छोड़ेगी वो बजे, अब तो मेरा बचना नामुमकिन हो गया है, और शुक्र है मैं बच गई हूँ। गाइस, वो छोटी गाड़ी ला रही थी और मैं बच गई हूँ, वरना मैं बचने नहीं वाली थी, बहुत मुश्किल हो जाता, वो गिर चुकी थी बट मैं नहीं गिरी, क्या बात है, थैंक गॉड कि मैं बच गई और वो गिर गई थी, और फिर से वो छोटी गाड़ी ला रही है, और अब उसका मैं कीमा बनाऊंगी। अब पूरा फेंटम, ये वाला ट्रक फेंटम वेज नहीं है, चार नूब को पूरा चढ़ा दूंगी उसकी गाड़ी के ऊपर, और अब वो गई उसकी सांसें रुक जाएंगी, बल्कि वो डर के मारे आएगी ही नहीं मेरे ख्याल से। दूसरी गाड़ी ला रही है, ओके, तो कई छोटी गाड़ी से डिलीवर करती है, मेरे पीछे पीछे आकर डिलीवर करती है, क्योंकि उसको पता है पीछे जाऊंगी तो बच जाऊंगी। बट यहाँ पर गाइस सीन बहुत गंदा है, वो मुझसे आगे है और मैं पीछे रह चुकी हूँ, मतलब मैं पीछे रह गई हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझसे आगे निकल गई थी मेरी गाड़ी गिरा के। क्या बताऊँ, अब आइए मेरे पास छोटी गाड़ी और वो ऑलरेडी कर चुकी है डिलीवर, तो ऑलमोस्ट दूसरी गाड़ी वो मुझसे आगे जा चुकी है, और एक बार फिर से वो जीप लेकर जा रही है, जीप नहीं है, वैन गाड़ी है, और मैं उससे पीछे पीछे थी, क्योंकि वो मुझ पर हमला कर सकती थी, तो अपने आप का बचाव करने के लिए मुझे जल्दी पहुंचना होगा, वरना मैं मरी। ला रही गाड़ी लेकर आ रही है डिलीवर करने के लिए, फाइनली मेरे पास दिवास्ते आ गई है। अब नहीं छोड़ूंगी तुझे, आजा चुड़ैल, आ मेरे सामने, आ मुझे मार, हिम्मत है तो तुझे मार के दिखा मुझे, आजा। अब तो तू गई बेटा, अब तो तू साइकिल है तेरे पास, तेरी हड्डियां तोड़ूंगी मैं, आगे जाने ही नहीं दूंगी। अब गाइस, मैं कोशिश ये करूंगी कि इसको बार बार गिराती रहूं, ताकि ये फिर से रिस्पॉन्ड मार कर आए और मैं अपनी गाड़ी डिलीवर कर पाऊंगी, लेकिन मजा नहीं आया, बच गई वो। इधर आ, तू बची कैसे, तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर आ, मजा जब आता है ना, जब बंदा दूर तक नहीं, ओह तो गाइस, उसको गिराने के चक्कर में मेरी गाड़ी भी गिर गई, और इस बार मैं गिरा कर आगे भागने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी नहीं गिराऊंगी,
क्योंकि गाड़ी गिरा दी ना तो फिर मसला हो जाएगा, बार बार गाड़ियां नहीं गिरा सकती। जा जा बेटा जा, तुझे कुछ नहीं करूंगी मैं, जा 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 आराम से जा बेटा आराम से, शाबुश शाबुश आशाबुश, निकल यहाँ से निकल। मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय नो पॉइंट, मैं आने वाली हूँ तुझे एक बार फिर से मारने के लिए अच्छी तगड़ी गाड़ी लेकर। और मेरे पास आ गई है मस्त सी वैन और अब इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, पक्का गिराऊंगी मैं इसको, पक्का इस गाड़ी से गिराने वाली हूँ। अब तो ये बहुत पीछे और गिरेगी ही गिरेगी, मुझसे बच तो नहीं पाएगी क्योंकि जैसे ये बचने की कोशिश कर रही है ना उस तरीके से, नहीं रुक जा डोप, मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था बट मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती थी, मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाली थी बट इट्स ओके कि बराबर ही हूँ, दो गाड़ी मैं उससे पीछे हो गई थी लेकिन अब मैं उसके बराबर हूँ, वो भी साइकिल ही लेकर गई है और मैं भी साइकिल लेकर जाने वाली हूँ। अब लेट्स सी नूब कौन सी गाड़ी लाती है। और जैसे नूब ने अपने आप को बचाया ना वैसे सेम टू सेम मैं अपने आप को बचा कर लेकर जाऊंगी, और नहीं बची तो फिर क्या होगा, गिर जाएंगे और क्या होगा, बट इट्स ओके। नूब की गाड़ी को देख लेते हैं कौन सी गाड़ी लेकर आ रही है, बट फैंटम वैन, करो ऐसा बात करो। एक बार फिर से नूब ने मुझे गिरा दिया और ये एक बहुत गंदा सीन था क्योंकि फैंटम वैन से बचना मुश्किल नहीं ना मुमकिन था, एक तो इतनी बड़ी नाक होती है उसकी, वो कहीं से भी उसे टच भी कर लो ना तो वो गिर जाते, बिकॉज वो नहीं भी मारती मैं तब भी गिर जाती। और जिस तरह से वो बीच में लेकर आ रही थी एकदम सेंटर में, कोई जगह ही नहीं थी सही से भाग कर जाने की, तो गिर गई, इट्स ओके। अगली बार देखते हैं वो पीछे से आ रही होगी गाड़ी, नहीं नहीं आगे से ही आ रही है वो, मैं जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट दौड़ती हूँ जल्दी, पांटो लेकर जा रही हूँ, पांटो पांटो, अब देख डूब तेरी बेड कैसे बजाती हूँ भाई, आज तेरे को फैंटम वेब से ग्रा ग्रा के बेहोश करूंगी मैं, तू उठेगी नहीं, अब देख तू पनाह मांगेगी, बोलेगी फ्रॉगी मुझे माफ कर दे, फ्रॉगी मैं तुझे बहुत मारूंगी आज, तू गई बेटा। ये आई मैं फैंटम वेज लेके, अपनी मोटी मोटी नाक वाला ट्रक लेके, इधर आओ, वही 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 टैंक ला रही थी, हो गए गिर जा बेटा, बचियो नहीं, बचने का कोई काम नहीं है तेरा, समझी, नीचे गिर जा शाबाश। और अभी मैं अपना फैंटम वेज लेकर जा रही हूँ, आगे से फिर से आएगी, फिर से मैं उसके ऊपर एक बार हमला करूंगी, बिकॉज हमला करना तो बनता ही है, इसको यहाँ से गिराते हैं ताकि थोड़ा सा और डाइवर्ट हो जाए, लेकिन डाई 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 बग्गी आ गई मेरे पास और वो टैंक लेकर जा रही थी, अब इसको बीच में जाकर गिराते हैं, थोड़ा बग्गी को मैंने स्लो किया है और अपनी बग्गी को लेकर जाएंगे तो फिर जाकर मेरे पास एक गाड़ी आएगी जो कि डुब लेकर चली गई थी। टैंक तो अभी थोड़ी देर में आने वाला है, लाइक अभी भी मैं डुब से दो गाड़ी, ऑलमोस्ट दो गाड़ी पीछे हूँ, टैंक अभी थोड़ी देर में आएगा मेरे पास वहीं से जहाँ से नोब लेकर आ रही है, तो मुझे थोड़ा फास्ट जाना होगा, पांटू को डिलीवर करना होगा पहले, पांटो जल्दी भाग तू वर्ड, वरना टैंक मर डालेगा, अपने को मर डालेगा, मेरे बड़ा नहीं है बचना है, चलो भागे भागे नहीं कोई तुमने मुझे मार दिया जान से मार दिया, मैं मर गई okay, कोई बात नहीं, सिर्फ गेम में एक छोटा सा ट्विस्ट था जो कि नूब ने दिखाने की कोशिश की है, बट इट्स ओके, ट्विस्ट आ गया था और मैं मर गई थी, मैं बनना नहीं चाहती हूँ, मैं नूब को मारना चाहती हूँ और बहुत जल्दी मारूंगी मैं, अब आ रही हूँ टैंक लेके, आप बच के दिखाइयो, तू देख क्या करती हूँ मैं तेरा हाल, आज बहुत खतरनाक मूड में है नूब, आप देख सकते हो उसका बिहेवियर, इधर आ इधर आ, तू अब कहाँ जाएगी, तू इधर आ, नीचे गिर गई गोल्फ कार्ट लेके गाइस, नीचे गिर गई है, मुझे लगा था बच गई होगी पर बेचारी नीचे लुढ़क गई, इतना कस के मैंने उसको मारा है, इतना जोरदार टैंक मारा है गुस्से में मैंने, बिकॉज उसने मेरी पांटू गाड़ी को शहीद किया, मतलब मार दिया एकदम खतरनाक तरीके से, और अभी ऑटोमेटिकली गिर गई, मैंने टच भी नहीं किया था, क्या बात है, तो मुझे इसको मारना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करती हूँ मैं, आ जा एक बार और गिर जा, चल गिर जा, अब मैं जल्दी से आती हूँ फटाफट से अपने मोशन में और अपनी ताकत के साथ अब मैं से आगे निकलूंगी, अब तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं, मैं आ गई, देख तूने मुझे स्टार्टिंग में गिराया था उसके बाद से मैं पीछे ही पीछे चल रही हूँ, जब इसने मुझे मैं खुद गिर गई थी, मैं इसे मारने लगी थी पर ये नहीं गिरी, मैं गिर गई, तो आज इसको मैं छोड़ूंगी नहीं गई, इसकी गाड़ी मैंने इसकी गाड़ी को ना डाइवर्ट कर दिया है उसके माइंड को, अभी मैं अपनी गोल्फ कार्ड आगे ले आई हूँ, अब बेटा तू बच के दिखा, अब गोल्फ कार्ड स्लो स्लो आएगी उसकी जब तक मैं इसको गिरा ही दूंगी, बचेगी कैसे, बच गई डाई नाई डाई डाई बच गई, कोई बात नहीं मैं आगे हूँ, बस आगे की जो फीलिंग्स होती है ना फर्स्ट की, वो एक अलग ही फीलिंग्स होती है, ए चारों भूखे बच्चे अगर गिरा ना मार दोगी, अगर तूने अपना पागलपन दिखाया, सीधा सीधा चलता नहीं सीधा सीधा जैसे जैसे लेकर जा रही हूँ, अगर तूने बीच में टांग अड़ाई ना अगर मेरे मामले में, फट देख मैं तेरा क्या करती हूँ,
तो गाइस मेरे पास देवास्ते है और आई थिंक आगे से हमें चेक पॉइंट क्लियर करना है, उसके बाद विनिंग फ्लैग भी आगे ही हमें दिखाई दे रहा है। नोब बेचारी जीती जीतती रह गई है, ये रेस नोब जीतने वाली थी और कुछ ज्यादा टाइम नहीं था वो मुझसे आगे थी, बट बेचारी ऐसे नहीं जाना, उसको टर्न करके जाना है और मैंने रिस्पॉन मारा है और नोब भी पहुंच चुकी है दिवास्ते को लेकर। और यार रिस्पॉन के चक्कर में वो इतना फास्ट इसे कैसे जाना है, इसे कैसे। ओके एंड गाइस आपकी दी कितनी प्रो है, लाइक एक बार अचानक से गाड़ी गिरी थी लेकिन सेकंड टाइम में तो मैंने कर ही लिया और टर्न करते हुए तो मैं गिरी नहीं थी। और ये नुब की और टार्च और ये क्या नुब बढ़िया तरीके से आई और ऐसी छलांग मारी के नीचे चली गई है। तो नुब ने फिर से एक बार रिस्पॉन मारा है और रिस्पॉन मारने के बाद अब हमारी शेरनी कर लेगी मुझे पता है। और ये गाड़ी टर्न हुई है और जाते जाते रुक गई है और नीचे गिर गई है। तो गाइस नुब का हो गया है डीएनएफ, बेचारी जीतने वाली थी लेकिन डीएनएफ हो गया है। इवनिंग टॉस नुब के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।